नाग जो है नाराज होकर नागिन से जो है वो बाहर को आ जाता है। लोग तो यही कहते हैं इनका प्रेम प्रसंग का मामला है। लोग अपने खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे, रोड पर देख के चल रहे हैं, रात में टोर से लेकर चल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जूते पहन के चल रहे हैं। और उसको पीछे से ढूंढते ढूंढते जो है नागिन भी आती है। कहते हैं ना कि रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे यार को मनाना उतना ही मुश्किल है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जनपद रामपुर में, जहां एक नाग अक्सर नागिन से रूठ जाता है और फिर नागिन अपनी जान की परवाह किए बगैर नाग को मनाने में लग जाती है। जी हां, ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। गांव के लोगों का कहना है कि नाग के रूठ जाने के बाद नागिन अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव के घनी आबादी में चली आती है। लोग मुश्किल से कभी नाग को तो कभी नागिन को वापस जंगल में छोड़ाते हैं, लेकिन जब जब नाग उसे छोड़कर गांव का रुख करता है तो प्यार में पागल ये नागिन पीछे पीछे गांव की आबादी में चली आती है, जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। पता नहीं, लोग तो यही कहते हैं इनका प्रेम प्रसंग का मामला है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। लोग इससे बहुत दहशत में है, लोग अपने खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे, रोड पर देख के चल रहे हैं, रात में टोर से लेकर चल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जूते पहन के चल रहे हैं। लोगों में बहुत खौफ का माहौल है। तो क्या नाग 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 को ढूंढती हुई नागिन आती है क्या? हाँ, यही होता है। क्या होता है, मतलब नाग आ जाता है गाँव में तो नागिन आती है पीछे से, फिर लोग उनको एक एक करके छोड़ के आते हैं जंगल में। पर यही मामला रहता है, लोगों के सामने आते रहते हैं बार बार, इससे लोग डरे हुए हैं गांव में। दरअसल ये पूरा मामला स्वार तहसील के कुशालपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे यहां पास के एक सांप आया और हम उस सांप को डंडे से स्कूल के पीछे छोड़कर आए। दूसरे दिन उसे ढूंढते ढूंढते फिर एक नागिन आ गई, उसे भी डंडे से पकड़कर स्कूल के पीछे छुड़वा दिया गया। ये यहां पर प्राथमिक स्कूल है, उसके पास एक बगिया है पुरानी काफी, वहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा काफ़ी समय से लोग गांव वाले बताते हैं कि यहाँ रहता है। और नाग जो है नाराज होकर नागिन से जो है वो बाहर को आ जाता है बस्ती में, और उसको पीछे से ढूंढते ढूंढते जो है नागिन भी आती है। वो उसको फिर जो है गांव वाले इसे देख के फिर दहशत में भी हो जाते हैं और अचंभित भी हैं कि ये क्या हो रहा है। उसको फिर डंडे से या गांव वाले किसी मदद से उसको फिर अलग एकांत में छोड़ देते हैं गांव में। फिर नाग जो है फिर बस्ती में आ जाता है और नागिन उसको ढूंढते हुए फिर आ जाती है। नाग नागिन को देखने से पूरा गांव डरा हुआ है। इस पूरे मामले पर DFO रामपुर राजीव कुमार ने बताया है कि ये उनका कोई मीटिंग टाइम भी नहीं है, इसलिए हम इस पूरे मसले को देखेंगे और टीम को भेजकर इसकी जाँच करवाएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो जनवरी का महीना है, जो कड़ाके की ठंड होती है, ये सांपों जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके लिए हाइबरनेशन पीरियड होता है। इस टाइम वो अपने आप को मिट्टी के अंदर छुपा के रखते हैं ताकि अपने शरीर को गर्म रख सके। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं या फिर कोई बायोटिक प्रेशर होता है या ह्यूमन प्रेशर होता है, जिस वजह से वो कभी कभी अत्यधिक भूखा होने के कारण बाहर आ जाते हैं। इस समय वो शिथिल होते हैं, मतलब उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही धीरे होती है और हो सकता है कि किसी कारण से वो बाहर आए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नाग नागिन आपस में मिलने के लिए या फिर नाग रूठ गया है, नागिन उसको मनाने के लिए उसके पीछे घूम रही है, ऐसा संभव तो नहीं है। और क्योंकि अभी उनका मेटिंग टाइम भी नहीं है, मोस्टली ये जब गर्मी बढ़ती है अप्रैल के बाद जब पहली बारिश पड़ती है तब ये लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका मेटिंग टाइम भी तभी होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक प्राकृतिक रूप से कह लीजिए कि कोई बायोटिक प्रेशर होगा जिस वजह से लोग बाहर आए हैं। खैर, जो भी हो, नाग नागिन का इस तरह गांव में बार बार दिखना एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से गांव के लोगों में डर का भी माहौल है और लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा है कि वन विभाग की टीम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रवि पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।